हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मेरी छोटी सी दुनिया। तो मैं फिर से आ गई हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ, विच इज अ फिश रेसिपी। एंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट इज दिस इज अ इलिश फिश। ओ माय गॉड, इलिश फिश इज माय मोस्ट फेवरेट फिश ऑफ ऑल ओवर द फिश। इन एसमिस वी कॉल इलिश मास। ओ माय गॉड, जब जब हमारे घर में इलिश मास होता है ना, मेरा तो उस दिन खाना ज़्यादा हो जाता है। और ये सबसे अच्छा लगता है राइस के साथ। हाँ, चावल के साथ इलिश मास सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज का जो ये रेसिपी मैंने बनाया है इलिश मास, इसको मैंने बनाया है मस्टर्ड सीड, उसको मैंने पेस्ट करके बनाया है। दोज हु लव इलिश फिश, उन लोगों को पता होगा कि मस्टर्ड सीड का जो पेस्ट होता है उससे इलिश मास बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और मैं तो कभी ऐसे ही खा लेती हूँ। सबसे ज़्यादा बोन्स अगर होता है, कांटा अगर होता है, तो इसी फिश में होता है और बहुत ही पतला पतला होता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद होता है इस कांटे की वजह से। बट ट्रस्ट मी, मैं इसका काटा मुंह में ही चबा के इसको खा लेती हूँ। आई डोंट नो हाउ बट आई लव टू ईट लाइक दिस। अभी हो रही है फिश की कटिंग, और वैसे तो सबको पता ही होता है कैसे फिश कटिंग करते हैं, वो अलग बात है कि मुझे नहीं आता। क्या करूँ, नहीं आता तो नहीं आता। मच्छी काटना नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता। हाय, वैसे ये मेरी मम्मी कटिंग कर रही है और वो बहुत अच्छे से ये धो के मुझे रेडी करके दिया है। अभी मैं आराम से इसको मसाला वगैरह डाल के इसको मैं फ्राई करूँगी और बनाऊँगी। मेरा तो मेहनत ही नहीं है यहाँ पे। वैसे तो मच्छी खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना मैं इसको काट नहीं सकती। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं जब काटूँगी ना इसको, मैं इसको भरता बना दूँगी, ऐसा इतना ज़ोर से ना पकड़ लूँ मैं इसको, इसीलिए ना मुझे कोई काटने भी नहीं देता। अच्छा ही है वैसे तो। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम चलते हैं फ़िश की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक और मिर्ची का पाउडर दिया है, उसको अच्छे से मैं ऐसे मैरिनेट करके रख दूँगी करीबन 10-15 मिनट तक, फिर उसको मैं फ्राई करूँगी। आप बिना फ्राई किए भी ये डिश बना सकते हैं, पर मुझे ना इस तरह से अच्छा लगता है। जब तक ये मैरिनेट होता है हम मसाला रेडी कर लेते हैं। ये है ब्लैक मस्टर्ड सीड, जिसको हमें भिगो के रखना है करीबन आधा घंटा, 30 मिनट्स आपको रखना है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितनी देर तक रखेंगे उतना ही फाइन पेस्ट होगा। ये है दो प्याज, मीडियम साइज़ के प्याज हैं ये, और ये मैंने कुछ ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज मिला के हमारे घर का ही है लिया है, और ये तो है वो मस्टर्ड भिगो के रखा हुआ, और ये है लहसुन। इन सारे चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के फाइन पेस्ट बनाना है। आप देखिए जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। सारा कुछ आप एक साथ ही डाल के मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नाउ लेट्स फ्राई द फिश। उसके लिए हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल। हम यहाँ पे आप अंदाज़ा करके तेल दे सकते हैं आपको जितना चाहिए। मैंने यहाँ पे करीबन 50 ml का ऑयल दिया हुआ है। जब ऑयल पूरी तरह से गर्म हो आप तभी फिश को इसमें दे, वरना चिपक भी सकता है और टूट भी सकता है। वैसे तो सबको पता ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट दो पीस रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बस तेल का पार्टी लिया है फिश का, क्योंकि बड़ा वाला भी है साइज़ और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है,
और जब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ निचला पार्ट ही लिया है ताकि अच्छा दिखे, बस बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस इसी का ही बनाना है, आप कोई सा भी पार्ट से बना सकते हैं, पूरा फिश से भी बना सकते हैं। मैंने बस नीचे का पार्ट लिया है, टेल का पार्ट लिया है, ताकि जब मैं इसका प्लेटिंग करूँ तो दिखने में अच्छा लगे, बस दैट्स इट। फिश को ऐसे फ्राई करते देखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हो गया हमारा फिश फ्राई, अभी हम चलते हैं मसाला बनाने के लिए। उसके लिए हमें बस 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल ऑब्वियसली। और जब ये तेल गर्म हो जाता है उसमें हम सारा पेस्ट एक साथ डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। इस डिश में आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ का ख्याल रखना है तो वो है इस चीज़ का, इसको भूनना, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी जल गया तो इसका टेस्ट बिगड़ सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब ये बनाते हैं प्लीज़ आप साइड मत हटिए, इसको बस ऐसे ही चलाते रहिए, क्योंकि आप जितना इसको भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ही निखर के आएगा। आपको तब तक भूनना है जब तेल और मसाला अलग अलग ना हो जाए। इस डिश में ये मसाला जैसे हम भूनते हैं ना, इसी में ही इसका टेस्ट निखर के आता है। आप अच्छा भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम ऐड कर रहे हैं नमक, हल्दी और ज़ीरा धनिया का पाउडर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लहसुन, ज़ीरा धनिया ये सब नहीं देते हैं इलिश फिश में, बट मैं देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। जब ये बन के आता है बहुत टेस्टी होता है। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने मसाला देख के ही तुरंत इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि मेरा मसाला ऑलरेडी भुना हुआ था। ज़ीरा धनिया हम नॉर्मली भून के ही इसको पाउडर बनाते हैं ना, क्योंकि हम घर में बनाते हैं, तो मैंने इसीलिए बोला कि मैं भून के ही इसको पाउडर बनाती हूँ, तो इसको भूनने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो पानी ऐड करने के बाद जब ये बॉयल होता है तब आप फिश को दे दीजिए, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। 5 मिनट तक आप इसको ढक के रखिए, फिर ढक्कन हटा के आप 4 या 5 मिनट तक थोड़ा सा इसको बॉईल कीजिए। अगर आपको पानी ज़्यादा लग रहा है, ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा बनना चाहिए, तो 5 मिनट तक आप इसको ऐसे ही चूल्हे पे रख सकते हैं मीडियम फ्लेम में। और हो गया हमारा इलिश फिश रेडी। मैंने फिश को बनाना लिप्स के ऊपर प्रेजेंट किया है, मुझे अच्छा लगता है कुछ नया ट्राई करना तो। और मैंने थोड़ा अनियंस भी ऐड किया हुआ है गार्निशिंग के लिए, 2 लेमन्स एंड चिलीज़। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा फेवरेट इलिश मास कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट रेसिपी के लिए। बाय बाय।